हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज ज़रा मॉर्निंग में वॉक करने जा रहे हैं हम बीच साइड पे, तो देखते हैं वहाँ के व्यू और आपको दिखाऊंगा। और मैंने सुना यहाँ पे फिशिंग वगैरह भी काफ़ी रहती है, बोट्स वगैरह सी में, ओशियन में, तो वो भी देखते हैं चलो क्या क्या मिलता है देखने को, और आपको भी दिखाता हूँ। तो मिलते हैं सी साइड पर। तो आप देख सकते हो मॉर्निंग टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिप आती हैं, जो कि यानी जाल वगैरह लगाए होते हैं समुंदर में इन्होंने एक दो दिन पहले, और बाद में ये मॉर्निंग टाइम ही आते हैं। और एक ही नहीं आती है, काफ़ी ही ज़्यादा शिप, जितनी भी लगी हैं शिप यहाँ पे ये सभी आती हैं, बट सेम डे इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, हर दिन अलग अलग आती हैं, और पूरा वीक भी नहीं आती हैं। जैसे आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को आज आ रही हैं, 5-6 शिप आई थी, और जैसे एक दो दिन छोड़ के वैसे वैसे आती हैं, और अब भी आ रही हैं आगे, जैसे पानी वगैरह बढ़ जाए या बरसात या कुछ, अलग अलग यानी मंथ के अकॉर्डिंग रहती है यहाँ पे। और जैसे लोकल्स बोल भी रहे थे कि जनवरी फरवरी टाइम कम फिशिंग होती है, तो उस टाइम काफ़ी ही ज़्यादा महंगी हो जाती है फ़िश यहाँ पे गोवा में। और अभी सीज़न टाइम जैसे अभी अक्टूबर नवंबर टाइम काफ़ी सस्ती होती है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पकड़ के लाते हैं अभी मछुआरे होते हैं वो समुंदर से, देख सकते हो आप। तो चलो देखते हैं अभी और आपको भी दिखाते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फॉरनर वगैरह काफ़ी परचेज़ करते हैं, यानी काफ़ी मॉर्निंग टाइम यहाँ पे फ्रेश फिशेस मिलती हैं, तो वो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सस्ती मिलती हैं उनको, तो यहाँ से वो ले जाते हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि जैसे 100 रुपये की कोई 10 देता है, कोई 12, कोई 8, तो वही है कि आप पकाओगे कैसे। अभी फॉरनर वगैरह लॉन्ग टाइम रहते हैं तो इनके पास किचन वगैरह रहता है, तो ये तो खुद कुक कर लेते हैं, बिकॉज़ आउटसाइड ऐसे कोई भी आपको फ्राई करके नहीं देगा। हर शॉप में फिशेज़ होती है तो 50 रुपये की है या 100 रुपये की, 150 की, उस हिसाब से वो देते हैं। तो बट फॉरनर वगैरह काफ़ी यहाँ से लेके जाते हैं मॉर्निंग टाइम फिशेज़, आप देख सकते हो। और फिर यहाँ से ये फिशेज़ वगैरह ले जाके आपको जो आरंबोल का बस स्टैंड है उसके नियर है ये फ़िश मार्केट है, तो वहाँ पे आपको यानी हर टाइप की फ़िश और काफ़ी सस्ती कच्ची फ़िश यहाँ पे मिल जाती है इजीली। और यहाँ पे ये सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं बेचने वाले फ़िश को, यहाँ पे प्रॉन्स फ़िश हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया यार यहाँ पे इसी साइड पे, जैसे पीछे बोट्स वगैरह देख रहे हो, तो ये समुंदर में जाते हैं और जाल वगैरह लगाते हैं, मछली वगैरह लाते हैं, और क्या क्या प्राइस है, अलग अलग प्राइस है, यहाँ बेचते भी हैं कच्ची मछली, बट फिर वही दिक्कत है कि पकाओगे कहाँ। तो पैसे तो ईजिली यहाँ हर रेस्टोरेंट में मिल जाती है, बट यहाँ पर जैसे सो की कोई 12 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, वैसे इस अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं और देखना चाहो तो इतनी ही ज़्यादा मछलियाँ देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे बाकी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।